हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एग्जाम अकेडमी यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ रणदीप सिंह, और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। देखो, इससे पहले आपने प्लेलिस्ट में 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करी होगी। आई होप आपने सब लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे, सारे एग्जांपल, इंट्रोडक्शन पार्ट एंड ऑल। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। मतलब कि जो आपका एक्सरसाइज 3.2 है उससे रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो सारा आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा। तो इसको स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा एकदम एंड तक देखना। यहां से आपका एक बेस क्रिएट होगा जो आप एक्सरसाइज 3.2 में अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि आपका एकदम बेसिक कंसेप्ट बन जाने वाला है एक्सरसाइज 3.2 के लिए। तो इस लेक्चर को अच्छे से देखो, फिर आप एग्जाम्पल करो, फिर आप एक्सरसाइज पे जाओ, तो और अच्छे से आपके क्वेश्चन निकलेंगे। देखिए, अब देखो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। पहला कंसेप्ट हमारा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स से, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन टाइप से। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आपको मैट्रिक्स दी है, मैंने आपको मैट्रिक्स दे दी 2, 3, 5, 3 और 4, 0। एक और मैट्रिक्स दे रहा हूं मैं, 4, 9, -1, 3, 2, 5। इन दोनों का क्या करना है आपको, एडिशन करना है। नहीं, ए प्लस बी की बात कर रहा हूं मैं, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है। तो क्या करते हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऐड करने हैं। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सर इसका 2 और इसका 4, फिर सर इसका 3 और इसका 9, कुछ समझ में आया, फिर इसका 5 और इसका -1, फिर 3 और 3, फिर 4 और 2, फिर 0 और 5। इनको आप एडिशन करो, 4, 5, 6, 5 में से बन गया 4, 4, 2, 6, 3, 9, 12, 6, 5। देखा आपने ये चीज, इस तरह से एडिशन करना होता है। कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है ना, क्या कह रहा हूं मैं आपको, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या करना है आपको, सम करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन है, सर इसका फर्स्ट तो इसका भी फर्स्ट, वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। आया समझ में एडिशन, ठीक है। अब अगला देखो क्या है, डिफरेंस यानी कि सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन बिल्कुल सेम है, मैंने एग्जांपल लिया 5, 0, 9, 4, माइनस करना है इसमें से आपको क्या, -1, 2, 3, 4। अब माइनस कैसे करोगे, 5 में से ये माइनस होगा, लेकिन यहां माइनस का साइन लगा हुआ, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाने वाला है, प्लस हो जाने वाला है, समझ रहे हो। तो 5 माइनस और फिर ये -1, फिर 0 माइनस 3, फिर 9 माइनस 2, फिर 4 माइनस 4, समझ में आया कुछ। 5 माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 6। 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 7। 0 में से -3 गया -3, 4 में से 4 गया 0। ये आपका हुआ आंसर। देखो कितना ईजी है। बस एक बार आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है एक्सरसाइज के, हर एक्सरसाइज से पहले मैं एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाऊंगा उस एक्सरसाइज का, उसके बाद आप एक्सरसाइज पे जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ओके, तो स्केलर का मतलब क्या है, मान लो मैं आपको एक एलिमेंट दे रहा हूँ, जैसे लाइक मैंने आपको के से एक मैट्रिक्स है 4, 5, 9, 2, 1, 3। यहां मैंने कोई भी एलिमेंट ले सकते हो आप, कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है सर। उस कॉन्स्टेंट वैल्यू को जब इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। हर वैल्यू का मतलब क्या है, सर ये 4K से मल्टीप्लाई होगा, सर ये 2K से मल्टीप्लाई होगा, सर ये 5K से मल्टीप्लाई होगा, सर ये K1 से मल्टीप्लाई होगा, सर ये 9K से मल्टीप्लाई होगा, 3K से मल्टीप्लाई होता है। ये है आपका स्केलर पॉइंट। स्केलर पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन के अंदर आपको इस तरीके से इसका यूज करना। और भी तरीके हो सकते हैं, मतलब जब मैं अलग अलग मैट्रिक्स लूंगा, लाइक मैंने ए मैट्रिक्स लिए वो 3 × 2 की है, या बी मैट्रिक्स लिए वो 2 × 3 की है, जब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, तो एक अलग मेथड है आपके पास इसकी रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करने का, रो से कॉलम से मल्टीप्लाई करने का ना, वो अभी डिस्कस नहीं कर रहा, वो मैं जैसे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे ना उसके साथ ही करेंगे, तो फालतू अभी लेंदी वेंदी नहीं कर रहे इसको, अभी सिंपली कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, एकदम इजी इजी वाले, ठीक है। आगे देखो, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक। अब आपको पता है नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, सर नेगेटिव मैट्रिक होता है उसको माइनस ए से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल देता हूँ, ए कोई मैट्रिक्स है आपके पास 4, 5, -1, 3, 4, -2, -8, 0 और -4, ये एक मैट्रिक्स है। मैंने आपसे कहा इसका नेगेटिव निकालो, नेगेटिव का मतलब है सर माइनस ए करके दिखाओ आप मुझे। सर माइनस ए का मतलब क्या हुआ, माइनस ए का मतलब हुआ इस पूरी वैल्यू में से, या तो ऐसा समझ लो इस वैल्यू में से अपन ने माइनस बाहर निकाल दिया, या तो ऐसा समझो, या फिर आप ऐसा समझो इस वैल्यू पूरी वैल्यू से मैंने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इसको माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो -2 होगा, इसको माइनस मल्टीप्लाई करोगे सर -5 होगा, इसको माइनस मल्टीप्लाई करोगे सर ये +1 हो जाएगा, इसको माइनस मल्टीप्लाई करोगे सर -3 हो जाएगा, इसको करोगे -4 हो जाएगा, इसको करोगे 2 आ जाओगे, इसको करोगे 8 आ जाएगा, इसको करोगे 0 आ जाएगा, इसको करोगे 4 आ जाएगा, ठीक है सर। अब यहाँ देखो आपने एक चीज समझी, या तो आप ऐसा समझो कि मैंने बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -a ये भी निकल गया मेरे पास, और अब मैं आपसे कहूँ कि ये जो मैट्रिक्स है अगर इस मैट्रिक्स को इसके बराबर करना है, -a को अगर मुझे इक्वल करना है, तो इस पूरी में से मुझे -1 कॉमन लेना पड़ेगा, फिर इसको a से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे तो किया मैंने, -1 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसका मतलब माइनस बाहर 1 था,
उससे मैंने ए को मल्टीप्लाई किया है तब जाके ये सी निकल के आई। तो माइनस ए जब भी कहा जाएगा तो ए को माइनस से मल्टीप्लाई करना, ये है नेगेटिव मैट्रिक्स। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ू। आगे देखो कुछ लॉज हैं आपके पास, आपने पहले मतलब मेरी क्लास से ये 5th 6th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, मतलब हर क्लासेस में सेम ही है। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, मान लो लेट आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट है आपके पास ए आई जे, और जो कि रिलेट करता है एम इंटू एन, इसका ऑर्डर है। एक और है बी, यहाँ पे बी आई जे है और इसका भी ऑर्डर जो है, आप कुछ भी मान लो, आप इसको एन इंटू एम मान लो, इसका डिफरेंट ऑर्डर है, या तो लाइक दैट। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर जब मैं ए प्लस बी करूंगा, इसका मतलब मैं इसके सारे एलिमेंट को ऐड कर दूंगा। एक मिनट, ये ऑर्डर सेम लो, मैं इसको ऐड कर दूंगा किसके साथ, बी वाले एलिमेंट के साथ। अब मैं कह रहा हूं क्या मैं इसको आगे पीछे करके ऐड कर सकता हूँ? भाई 2 प्लस 3 बोलो या 3 प्लस 2 बोलो, बात तो एक ही है ना यार। हाँ सर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी आई जे एम इंटू एन प्लस ए आई जे एम इंटू एन। बी का वैल्यू क्या है सर? बी का वैल्यू तो ये बी है और इसका वैल्यू ए है, यानी कि एक चीज समझ में आ गई, ए प्लस बी का वैल्यू बी प्लस ए बी हो सकता है, इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। आया समझ में? हाँ सर, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव क्या कहता है, जनरली बताता हूँ, अगर ए को मुझे ऐड करना है बी प्लस सी से, तो मैं इसकी जगह पहले ए प्लस बी को जोड़ू फिर सी को जोड़ सकता हूँ। भाई इस कंडीशन में पहले आपने बी प्लस सी जोड़ा, फिर उसके साथ आपने ए ऐड किया, और इस कंडीशन में पहले आपने ए प्लस बी ऐड किया फिर आपने सी ऐड किया। तो इस तरीके से जब कंडीशन करेंगे तो दोनों कंडीशन एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस होती है, होती नहीं होती है? हाँ सर, इसमें भी वैल्यू ले सकते हैं बहुत सारी, ए की जगह कोई मान लो आप ए आई जे है, बी की वैल्यू बी आई जे है, इसकी वैल्यू सी आई जे है, इसकी वैल्यू भी इक्वल होगी एसोसिएटिव लॉ में। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है आपको, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास, माइनस का ए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है आपके पास, एक और बच गई ना शायद मेरे पास, एक मिनट, एक कौन सी, अच्छा ये एडिटिव इनवर्स बच गई है, एक मिनट एक मिनट रुक जाओ। वाली जो आइडेंटिटी है आपके पास, आइडेंटिटी बोली इनवर्स वाली थी ना, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, अगर मान लो मैंने ए के साथ कोई जीरो मैट्रिक्स ऐड करी, ए आपकी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आई जे, मैं कह रहा हूं आपने ए मैट्रिक्स के साथ आपने कुछ जीरो मैट्रिक्स जो है आपकी उसको ऐड किया आपने, वो आइडेंटिटी है ना, उसको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास ए मैट्रिक्स ही निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी सर? ए मैट्रिक्स ही निकल कर आएगी। हम क्वेश्चन करेंगे ना तब एग्जाम्पल आएंगे वहां पे बहुत सारे, तो उनसे और अच्छे समझ में आएगा। अभी आप एक बार तरीके से इनको लॉस की तरह याद कर लो। आगे देखो एडिटिव इनवर्स ये बता रहा था मैं आपको, जैसे ए माइनस निकाली आपने, आपने ए की वैल्यू, आपने आपने बोला ए का जो एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स वो क्या है सर? वो माइनस ए हुआ। मैं आपसे कह रहा हूँ जब मैं ऐड करूंगा मेरे ए को माइनस ए के साथ, तो क्या निकल के आएगा सर? जीरो निकल के आएगा, आएगा नहीं आएगा? हाँ सर, निकल के तो आएगा। अब ये देखो ये वही आइडेंटिटी है पहले वाली, एक तरीके से अगर मैं ए के ओ इधर ले लूँ, अगर ए में से मैं ओ को माइनस करता हूँ तो मेरे पास पॉजिटिव का ए बन के आता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो और इसको ऐसे भी समझ सकते हो। उनका कंसेप्ट ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स जो होता है माइनस, वो ऐड करने मेरे पास जीरो मैट्रिक्स निकल के आती है। क्या निकल के आती है? जीरो मैट्रिक्स निकल कर आती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट है तो बताओ, नहीं आगे बढ़ू। चलो और देखो क्या है आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के ना मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे ए के लिए मैंने ले लिया 2 5 3 4 2 1 ले लो, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 4 3 2 1 5 से, इससे मल्टीप्लाई करना है इनको। ठीक है, ये ए और बी है और मैंने ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या करेंगे इसकी पहली जो फर्स्ट रो है उससे फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं सर? ऐसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसी रो से इसके सेकंड कॉलम को करते हैं, सर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, समझ रहे हो, सेकंड वाला एलिमेंट, इसका भी सेकंड वाला एलिमेंट सर। फिर इसी रो से इसके थर्ड वाली कॉलम को भी करते हैं, सर 2 को 3 से कर लो और प्लस 4 को 5 से कर लो। सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को मल्टीप्लीकेशन में होता है यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर। सेकंड रो पे आ जाओ सर, 5 2 को इस फर्स्ट वाली कॉलम से वापस से, कैसे करेंगे सर? 5 को 1 से और 2 को भी 1 से, फिर सर 5 को 4 से, फिर प्लस आइए 2 को 1 से, समझ रहे हो ना, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, फिर सर सर 5 को 3 से प्लस 2 को 5 से,
फाइव को थ्री से प्लस टू को, अरे यार कैसे रहा है, टू को भी फाइव से, अगला सर थर्ड रो को भी पहले फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, तो सर थ्री को पहले वन से, थ्री को पहले वन से प्लस फिर वन को वन से, फिर सर थ्री को फोर से प्लस वन को वन से, फिर सर थ्री को थ्री से प्लस वन को फाइव से। अब आप इनको थोड़ा सॉल्व करो, टू वन ज़ा टू, फोर वन ज़ा फोर, कितना हो गया सर सिक्स हो गया, टू फोर ज़ा एट, फोर वन ज़ा फोर कितना हो गया सर ट्वेल्व हो गया, टू थ्री ज़ा सिक्स, फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी, और ये 26 हो गया। इधर आ जाओ, फाइव वन ज़ा फाइव, टू वन ज़ा टू, ऐड करोगे सेवन हो गया, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, टू वन ज़ा टू, 22 हो गया, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, टू फाइव ज़ा टेन, कितना हो गया 25 हो गया, थ्री वन ज़ा थ्री और वन फोर हो गया, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व और वन थर्टीन हो गया, थ्री थ्री ज़ा नाइन, फाइव वन ज़ा फाइव, कितना हो गया सर ये 14 हो गया। अब आप इस पर गौर करो, ये आपका मल्टीप्लीकेशन निकल लिया ए मल्टीप्लाई बी। अब आप देखो ये कौन सा ऑर्डर था सर, इसका ऑर्डर था थ्री इंटू टू, था क्या ऑर्डर सर, इसका ऑर्डर क्या था सर, ये था टू इंटू थ्री, था नहीं था, यहाँ तो थ्री रोज है टू कॉलम है, यहाँ पे टू रोज है तीन कॉलम है। अब आप इनको देखो, ये सर थ्री इंटू थ्री है, ये कैसे निकला सर, आगे वाले जो रो है ना उतने ही रो बनेंगे, और पीछे जो ये कॉलम दिख रहे हैं ना पीछे वाले के कॉलम, उतने ही कॉलम बनेंगे, यही कंसेप्ट होता है मल्टीप्लीकेशन। अब एक चीज आप गौर करना कि जो ए मल्टीप्लाई बी मैंने किया है, एक मिनट यार थोड़ा सा हैंग हो गया, ये टैब में यही प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। जो ए मल्टीप्लाई बी किया आपने वो क्या इक्वल होता है बी मल्टीप्लाई ए के सर, ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है, दोनों ही केस है, कुछ क्वेश्चन के अंदर इक्वल हो जाएगा कुछ क्वेश्चन में इक्वल नहीं होगा, तो ऐसा फिक्स नहीं है कि इनका जो मल्टीप्लीकेशन, लेकिन एडिशन में ऐसा हो सकता है, एडिशन में मैं चेंज कर सकता हूँ लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ऐसा जरूर नहीं है, चेंज करने के बाद मेरे पास इक्वल आया वैल्यू है ना, इसके भी प्रूफ करेंगे अपन क्वेश्चंस के साथ। आगे देखो, प्रॉपर्टीज आ गई है मल्टीप्लीकेशन की, कैसे आई है, ऐसे आई है, देखो द एसोसिएटिव लॉ फॉर थ्री मैट्रिसेस ए बी सी वी है, मान लो ए को आपने बी से मल्टीप्लाई किया फिर सी से मल्टीप्लाई किया, इसी चीज को आप बी से सी से मल्टीप्लाई करने के बाद ए से मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्विवेलेंट है, बोथ साइड ऑफ इक्वलिटी आर डिफाइंड हो जाएगी यहाँ पे। सेकंड केस में देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जैसे ए को मैंने पहले बी प्लस सी ऐड किया फिर मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ पहले ए को मल्टीप्लाई करूँ बी से, फिर ए को मल्टीप्लाई करूँ सी से, फिर दोनों का एडिशन करूँ, दोनों के दोनों आंसर सेम आएंगे। यहाँ पर देखो, ए प्लस बी किया फिर सी से मल्टीप्लाई किया, या फिर ए को पहले सी से मल्टीप्लाई किया बी को सी से मल्टीप्लाई किया फिर दोनों को ऐड कर दिया, सिंपल। थर्ड में देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए की बात हो रही है, देयर एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी समझते हो ना, पढ़ी थी अपने 3.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट पे, चल जाओ फटाफट से, अगर यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो एक बार पॉज करके फटाफट से इंट्रोडक्शन पार्ट वाला फर्स्ट वाला देखो 3.1, उसमें मैंने सारे आइडेंटिटी स्केलर सारे के सारे समझाए कौन कौन से होते हैं, वन वन बना जाता है, अगर उस वन वन वाली आइडेंटिटी को मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूँ चाहे ए को आई से करता हूँ, हर कंडीशन के अंदर मेरे पास आंसर क्या निकल के आएगा सर, मेरे पास ए मैट्रिक्स ही निकल कर आएगी आंसर के रूप में, आया समझ में। हाँ सर, ये तो आ गया, और इसके आगे पूछा क्या, नहीं है सर, है ना, इसके आगे की स्लाइड बिल्कुल फ्री हो गई है आपकी, मतलब सारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 3.2 में जो भी यूज होने वाले हैं सारे के सारे, अब इसकी हेल्प से आप एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर सकते हो मेरे हिसाब से, फिर भी कोई डाउट लगे तो प्लेलिस्ट में जाके कोई भी एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन 2023-24 जो बोर्ड ने न्यू एनसीईआरटी निकाली उसके हिसाब से आपको मिल जाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस हमारे साथ लेक्चर्स कंप्लीट करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव्स के अलावा आपको यहाँ पर और असेशन रीजंस क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे पूरा का पूरा एक तरीके मैथमेटिक्स जो है ना वो आपका प्रिपेयर हो जाना हुआ बोर्ड के लेवल का, ठीक है, और मार्क्स आपके आने हैं 100 out of 100, आई विश ऐसा ही करते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।